हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अभी आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की स्टूडियो में मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो अभी हो क्या रहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और इस तरह से वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे और उसके बाद उनके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है। अब क्यों गलत है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 16 तारीख हो गया, तो आज से मोटे तौर पर देखा जाए तो आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में मैक्सिमम एक महीने का टाइम बचा हुआ है। तो ये एक महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक महीने को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये एक महीना दोबारा आपके लाइफ में वापस लौट कर नहीं आने वाला है। इस चीज़ को समझिए ध्यान से। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। क्योंकि इस एक महीने में जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी को टाइम दोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और इस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय मैं क्या देख रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अभी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो इस तरह से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस टाइम पर स्कूल में क्या हो रहा होगा कि ज़्यादातर टीचर्स अपना फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे होंगे और इस तरह से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो टाइम आप अपने स्कूल में जाकर दोगे, उसी टाइम को आपको अपने घर पर अपने सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको साफ सीधा अपना स्कूल बंद कर देना है, यानी कि स्कूल जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वीक में एक से दो दिन चले जाओ बहुत है, लेकिन ज़्यादा टाइम जो ये एक महीना बचा हुआ है, इसमें आपको अपने सेल्फ स्टडी को देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके लिए आप स्कूल चले जाओ, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड चल रहे हैं तो प्री बोर्ड देने जाओ, किसी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स देने जाओ, इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड लेने जाना है तो वो लेने चले जाओ, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके लिए आप स्कूल चले जाओ। लेकिन रेगुलर स्कूल इस एक महीने में मत जाओ, इसमें आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, ठीक है। ये मेरा आप सभी के लिए सजेशन है, तो मुझे अपना दोस्त या फिर भाई मानकर मेरा सजेशन मान सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस एक महीने में आपको अपने सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि यही एक महीना वो टाइम है जब आप अच्छे से यानी कि इफेक्टिव स्टडी करके बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे, ठीक है। तो यही मुझे आपको बताना था, क्योंकि मैं ज्यादातर क्या देख रहा हूं कि अभी ज्यादातर स्टूडेंट्स रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं सोचा आप सभी को ये बात बता दूं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो ये एक महीने का टाइम है, इसमें आपको एनसीईआरटी बुक को कम पढ़ना है और मॉडल टेस्ट पेपर या फिर सैंपल पेपर जो होते हैं उनमें से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसीलिए मैं आपके लाया हूं एक सैंपल पेपर जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है। तो ये आपका 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर नेम से है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी ए और हिंदी बी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का इसमें आपको 7 से 8 सैंपल पेपर इसमें दिया हुआ है और सारे सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन है। एक सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का इसमें आपको अनसॉल्व मिलेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बुक को परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।